20% के हिसाब से आपको टैक्स देनदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। अगला सवाल मेघा भाटिया जी का है और ये पूछ रहे हैं कि अगर NRI भांजे से मामा को गिफ्ट मिले, कैश हो सकता है या किसी और फॉर्म में गिफ्ट हो सकता है, तो इस पर टैक्स किस तरह से लगेगा और किसे टैक्स देना होगा, मामा को या भांजे को? प्रियंका, ऐसा है, अपने इंडियन लोग तो बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं, तो ये तो भांजे से पैसा लेने की बात है तो वो तो रिवर्स हो गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इनकम टैक्स के जो रूल्स है उसके हिसाब से मामा अपने भांजे को, भाई अपनी बहन को कितना भी गिफ्ट दे सकता है, परंतु अगर आप उल्टी गंगा बहने की बात करते हैं तो भांजे से मामा को जो भी गिफ्ट आएगी उसका कोई एग्जम्पशन नहीं है। जो एग्जम्पशन है वो सेक्शन 56(2) में है। NRI गिफ्ट के लिए कोई अलग से एग्जम्पशन नहीं है, परंतु अगर भांजा मामा को 50,000 रुपये तक ही गिफ्ट देना चाहते हैं साल में एक बार, मतलब एक बार से ज़्यादा हो सकती है पर कुल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। पर अगर गिफ्ट की जो राशि है वो अगर 50,000 से बढ़ गई तो वो पूरी की पूरी मामा के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी और मामा की जो इनकी दूसरी इनकम है उसमें वो ऐड हो जाएगी और जो स्लैब रेट आपका एप्लीकेबल है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। जो गिफ्ट देता है उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो जो भांजे जी गिफ्ट दे रहे हैं उनको कोई टैक्स देनदारी का निर्वाह नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यानी अगर भांजे NRI भी है, गिफ्ट दे रहे हैं, तो कोई टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं, लेकिन हाँ 50,000 का एक कैप है, इसका ख्याल रखें, इससे ज्यादा होगा तो मामा जी पर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी के साथ बलवंत जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए। और टैक्स गुरु में अगर